दिखने में तो अच्छे खासे लगते हो और शक्ल से तो इंटेलिजेंट भी लगते हो, लेकिन ये क्या कीड़े मकोड़े, मतलब इतनी गंदी हैंडराइटिंग। ओहो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सच्ची में यार। मतलब इतना दुख होता है ना अंदर से जब कोई राइटिंग को लेकर के ऐसे कमेंट करता है, और हो भी क्यों ना, भगवान ने इतनी सारी चीजें दे दी है, ढंग की हैंडराइटिंग दे देता तो भगवान का क्या बुरा हो जाता। देखिए, इस केस में ना तो भगवान का बुरा होता ना अच्छा होता, क्योंकि इस केस में भगवान आपका कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स है, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगे, क्योंकि क्विक सपोर्ट जब आपके साथ है तो फिक्र की क्या बात। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो लिखावट की अगर बात करें तो अगर ये अच्छी नहीं होगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आपने लिखा क्या है, जिसके कारण एग्जाम में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपकी लिखावट अच्छी हो, वरना फ्यूचर में ना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, अच्छा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ही आपके लेखन में सुधार होगा। आप अपनी राइटिंग सुधारने के लिए मैगजीन्स और बुक्स की मदद ले सकते हैं। आप मैगजीन्स और बुक्स से किसी भी टॉपिक पर अपनी नोटबुक में डेली लिखना शुरू कीजिए। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी राइटिंग काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है कि आपको शब्दों के बाद स्पेस की इम्पोर्टेंस को पहचानना है। जी हाँ, अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं हो तो उसे समझने में काफी मुश्किल हो जाती है। तो जब भी आपका कोई वर्ड पूरा हो जाए उसके बाद थोड़ा स्पेस दे करके अगला शब्द लिखे। हमेशा स्पेस का ध्यान रखे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा स्पेस होना चाहिए, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम स्पेस रखे, एकदम बैलेंस करके। तीसरे नंबर पर है, ज्यादा तेज ना लिखे। बहुत से लोगों को ना एकदम खटखट करके तेजी से लिखने की आदत होती है। तेजी से लिखने से आपकी राइटिंग बिगड़ सकती है, और लिखते टाइम कभी भी आप जल्दी ना करें। अगर जरूरी हो तभी आप जल्दी लिखे, अदरवाइज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मात्राएं, पॉइंट, कॉमा, पूर्ण विराम, न जाने बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप जल्दी लिखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो इससे गलतियां होने के चांसेस भी कम होंगे और जो आप कहना चाहते हैं एग्जैक्टली आप वही लिखेंगे। चौथे नंबर पर है, पेन और पेंसिल को अच्छी तरह से पकड़े। अगर आपको ठीक से पेन या पेंसिल पकड़ना नहीं आता है तो आपकी राइटिंग कभी नहीं सुधर सकती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब ये भी क्या बात है, मुझे पेन और पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता। लेकिन अगर आपकी राइटिंग गलत है तो इसका सीधा कनेक्शन ये है कि आपने शायद ठीक से उसे नहीं पकड़ा है। इसलिए ध्यान दीजिए, जब भी कोई पेन या पेंसिल पकड़े तो इसे बीच से पकड़े, ना ज्यादा ऊपर से और ना ज्यादा नीचे से, और आप हर एंगल से पकड़ कर लिखने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सही राइटिंग आ रही है और किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना चाहिए। एक बात का और भी ध्यान रखिए कि लिखते समय हाथों पर ज्यादा जोर ना पड़े, खास ध्यान रखिए इस बात का। पांचवा है, शब्दों के आकार और साइज का महत्व। यानी कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कोई वर्ड्स को बहुत छोटा लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ा। अगर आप छोटा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को सही से दिखाई नहीं देगा, और बड़ा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को ठीक से समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे कहने का सीधा मतलब ये है कि अपने वर्ड्स को हमेशा मीडियम साइज में लिखे, इसे ना ज्यादा छोटा होने दे और ना ज्यादा बड़ा, और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बाकी दोस्तों की कॉपीज को देख करके। तो बस इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और आपकी हैंडराइटिंग में सुधार जरूर आएगा। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दिखने में तो अच्छे खासे लगते हो और शक्ल से तो इंटेलिजेंट भी लगते हो, लेकिन ये क्या कीड़े मकोड़े, मतलब इतनी गंदी हैंडराइटिंग। ओहो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सच्ची में यार। मतलब इतना दुख होता है ना अंदर से जब कोई राइटिंग को लेकर के ऐसे कमेंट करता है, और हो भी क्यों ना, भगवान ने इतनी सारी चीजें दे दी है, ढंग की हैंडराइटिंग दे देता तो भगवान का क्या बुरा हो जाता। देखिए, इस केस में ना तो भगवान का बुरा होता ना अच्छा होता, क्योंकि इस केस में भगवान आपका कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स है,
आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बट की अगर बात करें तो अगर ये अच्छी नहीं होगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आपने लिखा क्या है, जिसके कारण एग्जाम में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपकी लिखावट अच्छी हो, वरना फ्यूचर में ना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, अच्छा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ही आपके लेखन में सुधार होगा। आप अपनी राइटिंग सुधारने के लिए मैगजीन्स और बुक्स की मदद ले सकते हैं। आप मैगजीन्स और बुक्स से किसी भी टॉपिक पर अपनी नोटबुक में डेली लिखना शुरू कीजिए। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी राइटिंग काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है कि आपको शब्दों के बाद स्पेस की इम्पोर्टेंस को पहचानना है। जी हाँ, अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं हो तो उसे समझने में काफी मुश्किल हो जाती है। तो जब भी आपका कोई वर्ड पूरा हो जाए उसके बाद थोड़ा स्पेस दे करके अगला शब्द लिखे। हमेशा स्पेस का ध्यान रखे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा स्पेस होना चाहिए, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम स्पेस रखे, एकदम बैलेंस करके। तीसरे नंबर पर है, ज्यादा तेज ना लिखे। बहुत से लोगों को ना एकदम खटखट करके तेजी से लिखने की आदत होती है। तेजी से लिखने से आपकी राइटिंग बिगड़ सकती है, और लिखते टाइम कभी भी आप जल्दी ना करें। अगर जरूरी हो तभी आप जल्दी लिखे, अदरवाइज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मात्राएं, पॉइंट, कॉमा, पूर्ण विराम, न जाने बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप जल्दी लिखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो इससे गलतियां होने के चांसेस भी कम होंगे और जो आप कहना चाहते हैं एग्जैक्टली आप वही लिखेंगे। चौथे नंबर पर है, पेन और पेंसिल को अच्छी तरह से पकड़े। अगर आपको ठीक से पेन या पेंसिल पकड़ना नहीं आता है तो आपकी राइटिंग कभी नहीं सुधर सकती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब ये भी क्या बात है, मुझे पेन और पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता। लेकिन अगर आपकी राइटिंग गलत है तो इसका सीधा कनेक्शन ये है कि आपने शायद ठीक से उसे नहीं पकड़ा है। इसलिए ध्यान दीजिए, जब भी कोई पेन या पेंसिल पकड़े तो इसे बीच से पकड़े, ना ज्यादा ऊपर से और ना ज्यादा नीचे से, और आप हर एंगल से पकड़ कर लिखने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सही राइटिंग आ रही है और किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना चाहिए। एक बात का और भी ध्यान रखिए कि लिखते समय हाथों पर ज्यादा जोर ना पड़े, खास ध्यान रखिए इस बात का। पांचवा है, शब्दों के आकार और साइज का महत्व। यानी कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कोई वर्ड्स को बहुत छोटा लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ा। अगर आप छोटा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को सही से दिखाई नहीं देगा, और बड़ा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को ठीक से समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे कहने का सीधा मतलब ये है कि अपने वर्ड्स को हमेशा मीडियम साइज में लिखे, इसे ना ज्यादा छोटा होने दे और ना ज्यादा बड़ा। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बाकी दोस्तों की कॉपीज को देख करके। तो बस इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और आपकी हैंडराइटिंग में सुधार जरूर आएगा। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।